आवाज पता चलेगा, मजा आएगा कि नहीं। हाँ कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? उस दिन आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे, अब आप बताओ कैसी फीलिंग आई? मैंने आपको आज तक कितने गिफ्ट दिए हैं? काउंट करो और बताओ। जा गया। हाँ, देखो देखो, मन्नू भी कह रहा है मम्मी और डको और डको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर आ गए हैं लेके पार्ट टू। आपको पता होगा पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी जाके जरूर देखना। तो आज फिर हम वही सेम क्वेश्चन लेके आ गए हैं। आज मुझे पनिशमेंट मिल नहीं मतलब क्वेश्चन लेके आ गए हैं कि मतलब मैं इनको कितना जानती हूँ, अपने क्वेश्चन बना के लेके आए हैं। तो अब ये है कि आज मुझे पनिशमेंट मिलेगी, क्वेश्चन पूछेंगे ये। तो इन्होंने मतलब 2-3 दिन से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 दिन मनु छोड़ दो इसको, 2-3 दिन से तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने की। ऐसे क्वेश्चन बना को जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट मिले। तो आपको दिखाई चुकी है बर्फ, मैंने डाल चुकी है, ठंडा हो गया पानी पूरा। ये मनु बोल रही मैं ही कर लूं, मम्मी मैं पनिशमेंट। हाँ पापा मम्मी को पनिशमेंट मत दो। तो अभी ये अपने क्वेश्चन लेके आ गए हैं, तो आपको मजा आएगा। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलो, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम पहली बार कौन से दिन मिले थे? दिन ये गलत बात है, संडे को। करेक्ट जवाब है। कैसे याद रहा? आपकी भाभी की छुट्टी संडे को होती थी। यही हिंट था बस इसके अंदर, बिल्कुल सही जवाब। चलो अच्छी बात, आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से याद था। अच्छा ये बताओ, मेरे सबसे पुराने फ्रेंड का नाम क्या है? हवा सिंह भैया। ये रॉन्ग आंसर। एक सेकंड रुको। नहीं नहीं, आपने भी लिया था, टाइम लिया था। टोटल कितने फ्रेंड्स हैं उसमें? तो आप नहीं, वो अमित भैया। हाँ ये करेक्ट जवाब है, बट पहला आपका गलत। नहीं, अभी ये नहीं, देखो सबसे पुराने में एक ही बार होना चाहिए। जैसे भाई मैंने ऑप्शन दिए थे क्योंकि आपने बहुत सारे फ्रेंड्स का अपना नाम बता रखा है, बट मैंने सिर्फ एक ही फ्रेंड का नाम बताया। मैं टोटल 3 तो फ्रेंड है जिनको आप जानते हो, उसमें पुराना बता पड़ा, तो ये टास्क आपका कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। बेस्ट फ्रेंड और पुराने में, बेस्ट फ्रेंड पुराने फ्रेंड में अंतर है। तो स्टार्ट करो, आवाज पता चलेगा मजा आएगा कि नहीं। हाँ कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? उस दिन आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे, अब आप बताओ कैसी फीलिंग आई? अच्छी आई। अच्छी आई है। अभी रुक जाओ, अभी तो और अच्छी आएगी। दो क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, आपने मुझसे पहली बार मोबाइल पर बात कब की थी? 14 मार्च को की थी, 14 मार्च 2019। मनु बोलने थे बेटा, छोड़ दो ना आप इसको। 14 मार्च 2019। बिल्कुल करेक्ट। ये कैसे याद रहा? और कहाँ की थी? मतलब आप दिल्ली बस रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, मैं अपने घर पे थी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 14 तारीख को मैं अपने ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, 16 मार्च की मेजबानी थी, तो फर्स्ट टाइम हमारी इंगेजमेंट हुई थी 10 तारीख को, और उसके बाद हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई है मोबाइल फोन पे, तो 14 मार्च को हुआ था। बिल्कुल सही। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, अपने मोबाइल पर सबसे लंबी बात किस दिन हुई थी? डेट 26 अप्रैल 2020। मतलब डेट सारी सारी आपने रट रखी है क्या? रट नहीं रखी, हो गए पता है तो पता है। 26 अप्रैल को हमारी शादी होनी थी 2020 में, वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन होके फिर आगे सरक गई थी। डेट का कुछ पता नहीं था कि डेट कौन सी है, तो उस रात को सारी रात फोन चला था, बात नहीं हुई, अलग बात, सो गए थे दोनों ऊपर, फोन पूरी रात चला था। टाइम बता सकते हो अगर इतना अंदाजा है तो? टाइम मतलब कितने घंटे के बाद, मतलब कॉल कितनी देर के लिए चला था? नहीं ये मतलब याद नहीं है कि सुबह उठ के ही काटा था 5 बजे उस दिन। टोटल मतलब अंदाजे से अगर मैं बताऊं, मेरे को भी एक्यूरेट ध्यान नहीं है, बट लगभग 9 घंटे के करीब वो टाइम था जिस टाइम लगातार कॉल चलती ही रही थी। ये सुन के मेरी मम्मी मेरे को बहुत सुनाने वाली है अगर देखेंगी वीडियो तो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी पसंदीदा मिठाई।
मूंग का हलवा गलत। चलो पनिशमेंट के लिए तैयार। जवाब है गुलाब जामुन। और मैंने बहुत बार बताया है गुलाब जामुन के बारे में, बहुत बार बताया है। अच्छे से हाँ, बहुत बढ़िया शाबाश। मूंग का हलवा तो मैंने आज तक चर्चा में ही नहीं लाया, या तो काजू कतली या फिर मतलब गाजर पाक भी कह सकते थे। गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है। मन्नू प्लीज बेटा प्लीज, मुझे दूसरा बोलना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी खाने की कौन सी चीज है जो मैं कभी भी खा सकता हूँ, ऑल टाइम फेवरेट। बताओ, काउंट डाउन स्टार्ट करने वाला हूं मैं। वन थ्री कोई चीज बताओ जो मैं कभी भी खा सकता हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है। खीर नहीं, वो तो आपको बनानी पड़ेगी और वो बनी हुई होनी भी चाहिए, मतलब हर टाइम पे मैं पसंद नहीं करता। और कोई चीज, चलो अभी ऑप्शन और भी शॉर्ट है। बनी बनाई तो मैं बहुत बार जिक्र भी किया है, मैं बहुत टाइम से खाता भी आ रहा हूँ, कभी का ही खाता आ रहा हूँ। बस गए। चलो रेडी हो जाओ, एक सेकंड का टाइम मिलना चाहिए। नहीं पता दही। यार ये कोई अपना होता दही है नहीं, ऐसे तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ दही कभी भी कहीं पे भी खिला लो। स्पेशल बनाने की चीज नहीं है। मम्मी आज पता है मनु, आज मम्मी बहुत ही ज्यादा ऐसी बिल्कुल लाल रंग की गोरी चिट्टी हो जाएंगी देखना ठंडे पानी में। तुझे भी चाहिए क्या फेस मसाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ। मैंने आपको आज तक कितने गिफ्ट दिए हैं? काउंट करो और बताओ। बताना भी है क्या क्या दिए? हाँ, ये भी बता सकते हैं, मतलब बताना मस्ट है कि कितने दिए और कौन कौन से दिए। शादी के पहले दिए थे आपने 2 गिफ्ट, तो सबसे पहला तो था मोबाइल, दूसरा था घड़ी। हाँ। तीसरे नंबर पे शादी के जस्ट बाद दिया था आपने शादी का गिफ्ट VR का एक पेंडेंट। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिया एक गोल्ड चैन और एक मग दिया था, फोटो मग दिया था। हाँ, सेकंड एनिवर्सरी पे एक मांग टीका दिया था गोल्ड का। ठीक है। थर्ड एनिवर्सरी पे एक फोटो गैलरी वाला और एक रोज गोल्ड का इयररिंग्स दिया था। उसके बाद हैदराबाद से एक पर्ल नेकलेस आई थी। ओके। और एक रिंग दी थी मेरे बर्थडे पे, सिल्वर रिंग दी थी। एक टेडी बियर वैलेंटाइन डे पे दिया था। और बस इतने ही दिए। हाँ, यही इतने ही है। हाँ। ठीक है, करेक्ट जवाब 11 थे, 11 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ऊटी घूमने के लिए कब गए थे, कौन सी तारीख को? हम 7 दिसंबर 2021 को गए थे। 7 दिसंबर को कहाँ गए थे? 7 दिसंबर करेक्ट डेट नहीं, ऊटी पहुंचने की तारीख। 7 दिसंबर को हम मैसूर के लिए निकले थे और फिर हमारा ऊटी का ट्रिप बन गया था, तो ऊटी के लिए 7 दिसंबर को, क्योंकि मैसूर के लिए कोई RT-PCR मांग रहे थे तो कोरोना टाइम था उस टाइम पे, तो जाने नहीं दिया। और ऊटी के लिए कुछ नहीं मांगा था, तो 7 दिसंबर को ऊटी निकले थे।
यहाँ से गए थे, फिर रात को होटल में स्टे किया, फिर 8 तारीख को ब्लैक थंडर बटन बंद हो गया। हाँ 8 तारीख को ब्लैक थंडर पार्क गए थे और 9 तारीख को डॉल्फिन नोज और 10 तारीख को गए थे ऊटी। हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब, 10 तारीख को हम लोग ऊटी पहुंचे थे। 10 तारीख का अपना पूरा ट्रिप था ऊटी का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शादी के बाद कब और कहाँ घूमने के लिए गए? हम शादी के बाद, शादी जून में हुई थी। इसने माइक बीच दिया पूरा। शादी जून में हुई थी और हम नवंबर में गए थे। मेरा एग्जाम था 19 का और 21 का, तो 19 और 21 का एग्जाम था, तो 20 नवंबर को हम घूमने के लिए गए थे अलवर में। अलवर में एग्जाम थे तो 20 नवंबर को गए थे। तो पूरा अलवर घूमा था। तो सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन, मूसी महारानी की छतरी, मोती डूंगरी पार्क और एक दो जगह और थी। ये भी सही है, मैं तो ओनली सर इसका बॉटनिकल गार्डन लिखा है। नहीं सर इसका नहीं है, बायोडायवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन, बायोडायवर्सिटी पार्क। चलो ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नूर आने के बाद हम पहली बार कहाँ घूमने के लिए गए? कन्नूर आने के बाद हम नवंबर की 30 तारीख को कन्नूर आए थे, उसके बाद हम वाटरफॉल देखने गए थे मम्मी के साथ। पूरी नहीं हो पाया वाटरफॉल, ऑफिशियली नहीं है कि हम पहुंच नहीं पाए, हमने देखा भी नहीं और मम्मी का पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, गिर गए थे, सबके चोट लगी थी। प्लान सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। उसके बाद जहाँ हम प्रॉपरली गए वो बताओ। बीच पे गए थे। कौन सा? ये ड्राइव इन बीच। हाँ, ये सही मज़ु, मज़ु, पता नहीं क्या नाम था। का नाम मुझे भी याद। हाँ, ड्राइविंग बीच गए कुछ मज़ु, ड्राइविंग बीच गए थे। चलो एक और डेट से रिलेटेड है, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, आपको कोरोना का फर्स्ट वैक्सीन कौन सी तारीख को लगा था? ये गलत बात है क्योंकि एक बात तो जबरदस्ती लगवाया गया था, मैंने लगवाया था, किसी रीजन से लगवाया था ये याद भी करो, और कब लगा था वो भी बताओ अगर हो सकता है। दिसंबर में लगा था, नहीं हाँ दिसंबर में, नहीं दिसंबर में नहीं लगा था। आपको सारी डेट्स याद रहती है तो ये इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि आपको कोरोना वैक्सीनेशन हुआ था, तो कम से कम 21 तारीख को लगा था, इतना तो मुझे पता है। शायद नहीं 21 को नहीं लगा था, तो 7 तारीख को? नहीं 7 को भी नहीं, दिसंबर में नहीं लगा था। पहले दिसंबर में नहीं लगा था, ये लगा था, मैं बताती हूँ आपको, अक्टूबर में लगा था। नहीं ये भी गलत है, तो सितंबर में लगा होगा। सितंबर में लगा था, तो सितंबर में लगा था। तारीख नहीं है। चलो ये मोस्ट टिपिकल था, मेरे को पता है इतनी चीज याद रखना बहुत मुश्किल है। ये तारीख इतनी सारी आपको याद कैसे, मुझे ये बताया जाए? ये सीक्रेट है, ये आपको नहीं बताया जाएगा। ठंडा ठंडा पानी, मजा आ गया। हाँ देखो देखो, मन्नू भी कह रहा है मम्मी और डबो, चलो 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 निकाल लो। मन्नू खुद आ रख रहा है मम्मी और डबो, अभी और मजा लो। तारीख कैसे याद है? मोबाइल का सहारा लिया आपने? नहीं वो सीक्रेट है, देखो वो मैं रिलीव नहीं कर सकता। ये जो बस फोटो थी, तो एकमात्र साधन वही था। मेरी मेमोराइजिंग डेट जो है वो बहुत खराब है, सभी को पता है, तो मैंने अपने मोबाइल का सहारा लिया ये एक पिक्चर ढूंढने के लिए, जो कि था 4 सितंबर 2021, और उसके बाद हम लोग घर गए थे, तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन होना जरूरी था। एक और क्वेश्चन रह गया, आप मुझे सबसे अच्छे किस में, कौन सी ड्रेस में पसंद हो ये बताओ? मैं साड़ी में। करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टोटल मिला के 12 क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया हो। इसमें मेजोरिटी यही रहा कि मैं चाहता था ज्यादा ज्यादा पनिशमेंट मिले, बट बहुत कम ही पनिशमेंट मिली है, ओनली शायद 3 to 4 क्वेश्चन 12 में से ऐसे थे जो ये नहीं बता पाए, बाकी सारी की सारी चीजें इन्होंने सही बताई है। हाँ ओनली 3 क्वेश्चन ऐसे थे, एक में थोड़ा सा मिसगाइड हुआ, पुराने मेरे सबसे पुराने दोस्त के अंदर, जिस
मैंने इनको बख्श दिया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा नहीं बख्शा क्या? नहीं बख्शा नहीं, तो उसके अलावा फिर तो टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जिसमें आप नहीं बता पाए, बाकी सब आपके करेक्ट आंसर रहे हैं। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस टाइप के और वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और हमें आइडिया भी बताएं कि हमें आगे कौन सा चैलेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।